कपड़ा दे, मेरे इतना प्यारा स्कार्फ। और ये बर्फबारी हो रही है, पूरी की पूरी व्हाइट रोड हो गई है। हेलो गाइस, वेलकम टू फातिमा फैसल व्लॉग्स। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। यार फाइनली बर्थडे मुक चुकी है मेरी बहनों की नहीं, अभी हीरा की आ रही है फिर राबिया की आ रही है। तो मेरी बर्थडे जैसे खत्म हुई थी, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग जरूर दिखाऊंगी। मुझे खूब सारे गिफ्ट्स मिले हैं, इन शॉर्ट गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग करते हैं। तो यार ये सारे मेरे गिफ्ट्स पड़े हुए हैं और आज जो है ना मैंने ये सब भी अपने रूम से उतार देना, बाप बर्थडे मुक गई तमाशा खत्म करो। अपनी बहनों के साथ मिलके मैंने बैलून पॉप चैलेंज भी साथ में रखा है, एसबा ने बैलून भी लाते जाएंगे तो नाल पॉप अप चैलेंज भी हो जाएगा। सबको मैंने यहाँ पे बुला लिया गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग के लिए। मैंने करना है बैलून्स पॉप चैलेंज, देखते हैं कि हाथों से सबसे पहले कौन सबसे ज्यादा फोड़ता है। ठीक है, ओके पांच पांच है सब। चलो गाइस तो अपने अपने पांच बैलून फोड़ने। जैसे जो मैंने अपनी बर्थडे पे ब्राउन कलर का ड्रेस पहना था ना, सब लोग पूछ रहे थे वो आपने कहाँ से लिया, वो मैं टर्की से लेकर आई थी और मम्मा ने सेम उसी तरह का मुझे ब्लू कलर का दिया है और बहुत प्यार है। यही समझे कि ये मेरी बर्थडे का गिफ्ट नहीं है, पूरे एस्ट्रोलॉजी के गिफ्ट है। स्पीच दे रही है पूरी नहीं। सर वैसे ये वाली शर्ट भी पहन सकती हो,
एथलेटिक्स पहन रहे हैं। ये जिस फ्रेंड ने मुझे दिया था ना, उसने बोला था कि उसकी मामा ने उसके लिए बनाया था, बट उस बहुत मेहनत और प्यार से, लेकिन वो कह रही थी मुझे पूरा नहीं आया था। मैंने कहा मैं किसी अपनी उस फ्रेंड को दूंगी जो मुझे बहुत अच्छी है, बहुत दिल के करीब है। हैंडमेड चीजें वैसे हैंडमेड होगी, कितना प्यारा कुर्ता है भाई ये। दिखने में तो काफी ज्यादा लग रहे थे, इतनी जल्दी फातिमा के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है, वो उसका वेट कर रहे हैं। वो फैमिली गिफ्ट है, वो सबने मिल के तुम्हें क्यों बताए। तो यार मैंने गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग जो मेरे जितने भी गिफ्ट्स इकट्ठे हुए थे मैंने आपको दिखा दी थी। अब इन्होंने बोला है कि इन्होंने मुझे कोई और भी गिफ्ट देना है, पता नहीं क्या देना है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द गिफ्ट। फिलहाल मैं गिफ्ट्स के अंदर बैठी हुई हूँ, सारे गिफ्ट्स मेरे आसपास हैं, तो खूब सारे जूते इकट्ठे हो गए हैं, कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, बैग इकट्ठे हो गए हैं, और क्या है मतलब खूब सारी चीजें इकट्ठी हो गई, तो मजा ही आ गया है इस बर्थडे का। क्या अच्छा सा ये खूब वजनी लग रहा है, ये ब्रांडेड जूता है, प्रैंक है ये, प्रैंक है, इसके अंदर रियल में नहीं है। जैसे इसने यार मैकबुक की मैकबुक एयर सब छोड़ो गाइस, इसमें जैनब का जेलस चेहरा देखो। जो जो काम करता है उसको वही गिफ्ट मिलता है। ये साथ में एडिटिंग करती है तो उसको ये किसे लिखा है हैप्पी टू अंदर हमने तुम्हारी फेवरेट ये मैंने आईडिया डाल दिया, मुझे पता है इसको कुकू बहुत पसंद है। और ये सारा कुछ जैनब ने सेट जैनब साथ खरीद के ही जैनब ने दिया है, खरीदा पापा पापा ने तो कुछ किया ही नहीं है अंदर ही सेट बस आने के लिए कुकू पापा ने बस लाके दे दिया, पापा ने लाकर दिया। और भाई मुझे इनको पता था कि मैं अपने व्लॉग्स खुद एडिट करती हूँ। चलो सबको थैंक यू बोलो, थैंक यू, चलो थैंक यू सो मच। मैं मिलने आ रही हूँ पापा, पुरानी वो कब क्या करेगी तुम। चलो ठीक है गाइस, इन्होंने मुझे ये वाली मैकबुक दिया ना, तो मैं अपनी केमिस्ट्री और बायो वाली बुक पढ़ी, मैकबुक वाली जैनब नहीं है, मैं अपनी पुरानी मैकबुक जैनब को दे देती हूँ। मुझे नहीं मिल रही है ना, मेरा तो काम एडिटिंग है, व्लॉग एडिट्स करना है, तो उसके लिए तो मुझे मिल नहीं है ना, तो फिर पुरानी इसको दे देते हैं, इसके पास नहीं, इसको अक्सर सबकी पापा की लेके हीरा की लेके ना पकड़, बोलो नहीं बोलो राबिया जैनब दोनों पढ़ने के बहाने मांगते हैं, नेटफ्लिक्स देखती है, नेटफ्लिक्स देखती है, मैं इस चीज की कैंसल कोई मैं नहीं, मुझे दो मैं फातिमा काम करती हूं, कुछ नहीं करती है, इसको मैं शौक भी नहीं है। पापा ने क्या, पापा का फेवरेट कलर है ब्लू, अच्छा ये लग रहा था। चलो बाय बाय, बर्थडे खत्म हुआ, बर्थडे आप बर्थडे का नाम लेंगे अगले पूरे साल तक, सबको अपनी जेबें भी खाली करनी पड़ेगी। यस अब गाइस आपके बर्थडे का वेट करें, अच्छा सा गिफ्ट लेके आना, बड़ा मजा आना। बाय बाय। रात के 4 बज रहे हैं ठीक है, और बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है ना, मैं सोच रही हूँ कि जा कर के बाहर देख, यार बाहर तो ये बर्फबारी हो रही है, इतनी ज्यादा स्नो पड़ रही है बाहर, लाइफ में पहली बार मैंने ये बर्फबारी या स्नो फॉल, क्या यार ओले पड़ रहे हैं, मैंने पहली बार, यार घर के बाहर तो पूरी की पूरी वाइट रोड हो गई है, पूरी की पूरी वाइट रोड हो गई, इतनी तेजी से ओले पड़ रहे हैं, ये बर्फ है यार बर्फ। बर्थडे के गिफ्ट को 4 लग गए यार, हुई हुई ओ हो,
मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है, अजीब टाइप की खुशी हो रही है यार। बी वेरी ऑनेस्ट, अपनी लाइफ में पहली बार मैं घर में पहली बार ओइले पड़ते इस तरह ओइले ओले व्हाटएवर वाइट वाइट कलर की पड़ते देखे हैं यार। जनरली रात के 4:30 बजे जब सब लोग सो रहे हैं, काफी ज्यादा बर्फ पड़ गई है, स्नोमैन बनाते हैं, चलो बर्फ से खेलते हैं यार। याहू, तो रात के 4 बजे हीरा भी उठ चुकी है ओइले देखने। चेक तो कर हीरा, बरो वो सड़क देख, सामने पूरी वाइट हुई पड़ी है। देखो कितने ज्यादा पड़े, पूरे के पूरे, वो देखो पूरे के पूरे वाइट हो गई है। हम तो वही नारायण गगन में शिफ्ट हो गए हैं। मैं तो इनके साथ थोड़ा बहुत खेला भी है, इनको खा भी सकते हैं। अब नहीं आ रहे, पहले आ रहे थे, जब आए मैं फौरन भागी भाग गई। मैंने कहा ये बारिश का ईंटे बरस रही है ऊपर से, ये बारिश हो रही है कि पत्थर गिर रहे हैं इतनी तेज। मैं भी भागी भागी आई, मैंने कहा इतनी तेज कैसे हो। पता चला ये वो आ रहे थे वाइब वाइब है ना वाइब, उसको फील करो ना, डिफरेंट है यार। इससे पहले वाइब के चक्रों में मेनू बुखार चढ़े, चौक कार के अंदर चल फातिमा। सो गाइस, होप सो यू लाइक द व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर व्लॉग्स यार।